नमस्कार, हम हैं आपके साथ प्रिया और आप देख रहे हैं नेशन 24। जैसा कि आप सब जानते हैं, चुनाव का प्रचार प्रसार तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और हमारी टीम भी हर मुखिया के साथ, वर्तमान मुखिया, मुखिया प्रत्याशी के साथ लगातार दौरा कर रही है। इसी क्रम में आज हम पहुंच चुके हैं परसावा पंचायत में, जहां की मुखिया प्रत्याशी हैं सपना सिंह। आइए तो हम चलते हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे विकास के बारे में। तो चलिए हम चलते हैं, यहां से शुरू करते हैं। आइए तो देखिए, आप यहाँ पे बहुत सारे महिलाओं की भी भीड़ है। यहाँ पे मुखिया भी बैठी हुई है सपना सिंह और कुछ पुरुष भी दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम विकास को लेकर बात करेंगे सपना सिंह से। तो चलिए हम सपना सिंह को देखते हैं और उनसे बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं हर तरह का काम को लेकर, विकास को लेकर यहाँ पे मौजूद हुई है। आइए जानते हैं सपना सिंह से कैसे विकास को कैसे अपने गाँव में फैलाएंगी और कितना विकास कर पाएंगी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। नमस्ते। आप कितना विकास करिएगा इस पंचायत में? यहाँ पे बहुत सारे आपके सामने महिलाएं बैठी हैं, बहुत सारे काम से आई हैं, इंदिरा आवास लेकर, तो कोई वृद्धा पेंशन। आप कैसा इन लोग का रिस्पांस है, किस तरह से आप इनको साथ देंगे? मैं पूरी तरह से इन लोग के साथ में हूँ और पहले मैं यहाँ समाज सेवी के रूप में काम कर चुकी हूँ। मेरे पास जो भी ज़्यादा समस्या आ रही है महिलाएं लोग की, तो उनका सबसे पहले शौचालय नहीं है, नल नहीं है और जहाँ पर भी है नाला वगैरह की परेशानी हो रही है। तो इन सब की समस्या मैं सुन रही हूँ। बहुत लोग को राशन कार्ड नहीं है, वृद्धा पेंशन नहीं है, विधवा पेंशन नहीं हो पा रही है, तो उन लोग को मैं धीरे धीरे समाधान करने की कोशिश कर रही हूँ। आप मुखिया प्रत्याशी में किस चीज़ को लेकर क्या सोची कि मुखिया प्रत्याशी में खड़ी हुई, कैसे मन में आया कि समाज सेवा हमें करना चाहिए? देखिए, मेरा यहाँ पे गांव में आना जाना लगभग 10 साल से है और जब मैं आती थी तो महिलाएं लोग से मेरी हमेशा बात होती थी, संपर्क में मैं रहती थी। फिर मुझे 2 साल से अचानक ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इस गांव के लिए करना चाहिए, क्योंकि पटना से ये बाढ़ आपको कनेक्टेड रोड है और यहाँ पे जो विकास होना चाहिए वो विकास यहाँ नहीं है, अदर गाँव के कंपेयर में अगर देखा जाए तो। जब आप यहाँ पर आई तो आपको कौन कौन सा विकास दिखने को मिला वर्तमान मुखिया के द्वारा? देखिए, मैं जब यहाँ पर आई तो मुझे कोई विकास नहीं देखने को मिला, नहीं यहाँ का रोड सही है। आप एक आइए तो पुल एक पर देखिएगा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, तो मैं एक नया पुल सरकारी योजना से बनवाने की कोशिश की हूँ। और दूसरा है कि गली नाला जो है, जितना भी मतलब जाम था और रोड पे सारा पानी आ रहा था, तो उस चीज़ को मैं समाधान करने की कोशिश की हूँ। दूसरा है कि घर घर शौचालय होना चाहिए, वो चीज़ यहाँ बहुत कमी है कि महिलाएं लोग को आज भी इस डेट में भी उन लोग को बाहर शौचालय जाना पड़ता है। अभी ऐसा कौन कौन सा काम है जो आप गाँव में किए हैं, अपने पंचायत में किए हैं? देखिए, मैं जब यहाँ पर आई तो सबसे पहले तो हेल्थ PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे मेरा सबसे पहले ध्यान गया कि यहाँ के लोग जब बीमार होते थे तो बाहर जाना पड़ता था उन लोगों को, तो वहाँ नहीं जा करके मैं यहाँ पे जो स्वास्थ्य केंद्र बहुत दिनों से बंद पड़ी हुई थी, तो सिविल सर्जन से बात करके मैं यहाँ पर उसको फिर से चालू करवा पाई हूँ और लोग को यहाँ सुविधा दे पाई हूँ। दूसरा यहाँ मुझे कमी लगा है कि यहाँ शौचालय की कमी है, जिससे मैं धीरे धीरे समाधान करने की कोशिश कर रही हूँ। और तीसरा यहाँ पे है कि पानी का जहाँ जहाँ हो रहा है, पूरे पंचायत में लगभग जितना भी पुराने चापानल बंद पड़े हुए थे, 200 से लेकर 250 तक चापानल मैं यहाँ पे रिपेयरिंग करवाई हूँ और 10 नया चापानल का यहाँ पर हुआ है। और तीसरा यहाँ पे है कि गांव के किसान है जो काम कर रहे हैं, तो उन लोग के लिए मैं शेड बनवाई हूँ ताकि कुछ देर वो लोग छाया में विराम कर सके। और बच्चे जो स्कूल से आते हैं तो उन लोग के लिए शेड, धूप बरसात से बचने के लिए मैं शेड का भी निर्माण करवाई हूँ। और फिर यहाँ पर वन विभाग से बात करके मैं यहाँ पर पर्यावरण शुद्ध करने के लिए जगह जगह वृक्षारोपण भी करवा रही हूँ। तो अभी आपने देखा सपना सिंह को बहुत अच्छे तरीके से सारे योजनाओं पे बात कर रही हैं, अच्छे से सारे कुछ बता रही हैं। अब हम इनसे जानेंगे कि इनके पास बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं दर्जनों की संख्या में और कुछ लड़कियां भी आ रही हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या उनका काम है, क्या करेंगी, कैसा सोच रखती हैं लड़कियों को लेकर और महिलाओं को लेकर, उनके लिए आपका कैसा सोच? देखिए, यहाँ महिला लोग के लिए, जैसे यहाँ की महिला सुबह में सवेरे उठ जाती है, 10 से 11 बजे तक वो लोग फ्री हो जाती हो, तो इस बीच में मैं सोची कि यहाँ छोटा छोटा उद्योग को स्टार्ट करवाना चाहिए
और सबसे पहला मैं यहाँ पर महिला लोग को यहाँ रुचि देख रही हूँ, उन लोग से मेरी संपर्क हुई है, तो उन लोग का कहना है कि यहाँ पे सिलाई सेंटर खुल जाता तो हम लोग को सुविधा होती है, अब बाहर जाने में हम लोग बच सकते हैं, कुछ समय हम लोग का बच जाता। तो मैं अभी यहाँ पर सिलाई सेंटर स्टार्ट करने वाली हूँ। जो बच्ची है अभी तो आप जान रही हैं कोरोना में, तो मैं चाह रही हूँ कुछ उन लोग भी कोरोना टाइम में जो अभी जो बहुत सा स्कूल अभी नहीं अभी स्टार्ट हो पाई है, तो उस सब के लिए मैं कंप्यूटर और टाइपिंग का बंदोबस्त की हुई हूँ। इस बार वो कौन सा मुद्दा होगा जो आप लेकर अपने पंचायत में जाएंगे? सबसे पहले मुद्दा तो मेरा शौचालय का रहेगा, दूसरा जो नल जल है वो सबकी सुविधा दे सके, और तीसरा है कि रोड वगैरह जो गली है वगैरह वो मैं बनवा सकती हूँ, और चौथा हमारा है कि छोटा छोटा उद्योग मैं स्टार्ट कर सकूँ, और पांचवा सबसे मेन है कि एजुकेशन पे यहाँ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और छोटे बच्चे के लिए मैं किड्स प्ले भी स्टार्ट करवाना चाह रही हूँ। सरकार के द्वारा जितने भी फंड आएंगे, जितने भी योजनाएं आएंगे, उसको आप किस तरह से पंचायत के लोगों तक पहुँचाएंगे? मैं सरकार के जो भी फंड आएंगे वो सारे मैं जनता के में ज़मीन पर उतारूंगी धीरे धीरे, और हर एक को विकास के लिए प्रेरित करूंगी और विकास की तरफ ले जाऊंगी। तो अभी आपने देखा सपना सिंह को कितने अच्छे तरीके से सारे बातों पे चर्चा की और परिचर्चा की। यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे बहुत सारी महिलाएं हैं, इनके लिए इनका सोच बहुत ही अच्छा है। जब हम यहाँ पे आए तो एक महिला थी जो जिन्होंने कहा कि मैं घर से बाहर पैर नहीं निकालती थी, लेकिन हमारी महिला मुखिया जो है, मुखिया प्रत्याशी, उनके आने के बाद हम घर से अपना पाँव निकाल पाए हैं। आइए तो हम सबसे पहले उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है, आप अपना परिचय बताएं। नाम है गुंजा देवी। कैसा सोच रखते हैं अपने मुखिया प्रत्याशी के लिए? इनके लिए हम बहुत अच्छा सोच रखते हैं। पहले से कितना विकास हुआ है आपके पंचायत में? विकास ये हुआ कि जगह जगह पर बना दिया स्टॉपिक जो बैठने वाला होता है, वो नदी नाला जितना भी साफ करवाए हैं, और उतरा बनाए थे वहाँ टाइल्स लगवाए हैं, हाँ, और वृक्षारोपण करवाए हैं। आप अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे कि हमने पैर निकाला घर से बाहर, तो इस कैसे निकाले? आप पहले नहीं निकालती थी, अब क्यों निकाल रही हैं, क्या रीज़न है? इसलिए कि हमारे सोच के मिले हैं, जैसे हम सोचते थे इनके बारे में जो पहले जब शुरुआत में आई थी, तो ऐसा हमने हमको नहीं लगा कि मतलब क्या हमारे लिए करेंगी, लेकिन अब हमको ऐसा लगता है कि अब हमारे लिए, हमारे गांव के जितने भी महिलाएं हैं उसके बारे में इनका सोच बहुत अच्छा है। हमारे यही अनुरोध करते हैं सारी महिलाओं से कि इनका हम लोग मिलकर साथ दें। वर्तमान मुखिया ने जो भी काम किया, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। वर्तमान मुखिया जो अभी के हैं मुखिया जी? नहीं, उससे नहीं, वो कभी किया ही नहीं कुछ। मुखिया प्रत्याशी ने आपको कौन सा सुविधा दिया है जो आप इनको वोट करेंगे? इनको ये तो हमारे पहले किस आधार पे वोट करेंगे? ये हमारे नल पहले दिए मेरे घर में ही, और जितने भी मैं घर थी जिसके यहाँ शौचालय नहीं था उनको शौचालय दिए। तो अभी आपने देखा ये महिलाएं बोली कि इनका शौचालय नहीं था वो भी इनको मिला है, और ये अपना पैर भी घर से बाहर निकाली, और मुखिया जी का हमेशा सपोर्ट करेंगी और वोट भी इन्हीं को करेंगी। आइए यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं, इनसे भी जानते हैं ये वोट किसको करेंगे, किसको वोट करेंगे? सपना सिंह के। क्यों करेंगे? बहुत अच्छा काम कर रहल खीन है। कौन सा सुविधा मिला आपको इनके द्वारा? बहुत सुविधा है। क्या क्या मिला? पानी पहुँच रहे? हाँ, घर में कल लगले हैं। और आओ आओ सब गाछ। क्या वोट करेंगे इस बार? पक्का? हाँ, एकदम पक्का। पलट तो नहीं चाहिए? नहीं नहीं। चलिए आइए यहाँ पे भी एक महिला, क्या कहना चाह रही है? पक्का है, राव इनको ही वोट दीजिए। हाँ, किसी और को नहीं दीजिएगा? हाँ, किसी को नहीं देना। क्यों देंगे इनको? इसको बहुत खुश है। आप वोट देंगे इनको? सपना सिंह। तो देख रहे हैं यहाँ पे सारी महिलाओं का आवाज, सिर्फ सब बोल रही है कि हाँ हाँ, हम सपना जी को वोट करेंगे। आइए यहाँ पे एक और महिला आई है अभी जस्ट, लगातार महिलाओं का जोर शोर तैयारियां चल रही है, और गेट से हम देख रहे हैं कि लोग आते जा रहे हैं क्योंकि महिलाओं का बहुत भीड़ है। क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? प्रार्थना सिंह। प्रार्थना सिंह, बताइए क्या कहना चाहते हैं, सपना जी के बारे में कैसा सोच रखते हैं परसावा पंचायत? जैसा हम सोचते थे सपना सिंह बिल्कुल वैसा ही है, और मददपुर में जैसे भी पूरा गांवली के स्टाइल से चल रहा था, तो सपना सिंह यूनिक स्टाइल से आए हैं, तो इसलिए हम सबका भरोसा भी है सपना सिंह। पहले से कैसा विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। पहले से ज़्यादा विकास हुआ है सपना सिंह के द्वारा? हाँ, बहुत विकास हुआ है पहले से। क्या क्या मिला आपको? मिलने नहीं मिलने से नहीं, ये कोई मतलब नहीं रखता है, क्योंकि हमारा गांव का जो है ना, कि एक मुखिया रहना चाहिए जो कि औरत के लिए
आगे आवाज उठाए, तो ये हमारे लिए परफेक्ट लगते हैं। और कुछ कहना चाहते हैं इनके बारे में? और कुछ कहना यही चाहेंगे कि अगर ये जीत गए तो बहुत कुछ विकास होगा मदतपुर के महिलाओं को लेकर के। और है कि जैसे कि हम जिस तरह से सोचते थे मैडम के बारे में, उससे भी कई गुना मतलब कि बेटर है मैडम। चलिए, इनका कहना है उससे भी कई गुना बेटर है मैडम। यहाँ पे कुछ सज्जन भी मौजूद हैं, कुछ पुरुष भी, इनसे भी कुछ जानते हैं। क्या कहना चाहते हैं सपना सिंह को लेकर? हम कहना चाहते हैं कि ऐसी मुखिया के प्रत्याशी होना चाहिए। ऐसे ही प्रत्याशी हाँ, क्यों होना चाहिए? क्योंकि गांव के लिए बहुत भलाई सोच रहे हैं और सभी लेडीज को लिए जो कि ये खोला रहे हैं अथी के सिलाई मशीन के, ये सब है सिखाया जाएगा, सेंटर खुलवा रहे हैं। और वृद्धा पेंशन और के जो कि क्या नाम हुआ आपका? हमारा मनोज सिन्हा, सपना सिंह आए हैं। जितना सरकारी फंड जो है अपने अथी से ला रहे हैं और करवा रहे हैं, साफ सफाई, पेड़ पौधा सब लगवा रहे हैं, सब सरकारी फंड से, बिजली ये सब जो है सरकारी फंड से करवा रहे हैं। तो अभी आपने देखा मनोज सिंह ने भी बहुत अच्छे तरीके से, ये एक पुरुष है फिर भी ये महिलाओं का सपोर्ट कर रहे हैं। आइए यहाँ पे कुछ और भी सज्जन बैठे, इनसे भी बात करते हैं, क्या सोच रखते हैं? ये अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं आके पंचायत में, पुल, रोड, सोलिंग, पौधा वृक्षारोपण, बहुत से सारे काम कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया इनका सोच है, इनका साथ जनता सब है, इनके साथ जनता सब है। एक पुरुष और है, इनसे भी जानते हैं, क्या सोच रखते हैं आप सपना सिंह के बारे में? स्वच्छ सुंदर सोच रखते हैं। सुंदर का मतलब क्या समझे हम? क्या पहले विकास हुआ या फिर अब हो रहा है? अब हो रहा है, बगैर कुछ रहते हुए भी समाज के लिए बहुत चीज कर रहे हैं। और वर्तमान मुखिया सिर्फ ठकने का काम किया है। अच्छा। और इनका अभी मान लीजिए मिशन चल रहा है महिलाओं के लिए, मान लीजिए सिलाई सेंटर खोलवा रहे हैं, कंप्यूटर सेंटर खोलवा रहे हैं, और मान लीजिए शेड जो यात्री शेड बना है, आए होंगे चबूतरा बना है मान लीजिए, और चापाकल मान लीजिए मिल रहा है सब गरीब को मान लीजिए, बहुत चीज इनके लिए। चलिए, तो अभी आपने देखा महिलाओं का जोर शोर जारी है और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे महिलाओं का भीड़ है और जिंदाबाद का नारा लगा रहे और कह रहे हैं इस बार सपना सिंह को ही हम वोट करेंगे और सपना सिंह को जिताएंगे, क्योंकि वो महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है और महिलाओं को प्रेरित करती है कि वो आगे आए और पीछे ना रहे। अब तक आप बने रहिए प्रिया के साथ और देखते रहिए नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।